नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आज मैं आप सबको आँख के पौधे के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, आँख बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। आयुर्वेद में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में माना जाता है। ये एक दिव्य रसायन औषधि है। इसे हम मधार, मंधार, अरक, पादक और आँख के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते बरगद के पत्तों के समान मोटे और चपटे होते हैं। इसके फूल सफ़ेद व रंगीन चित्तियों वाले होते हैं और इसके फल आम के आकार के होते हैं जिसमें रुई होती है। इसके शाखाओं से दूध निकलता है जो कि विष का काम करता है, या यूं कहें कि ये विष ही होता है। ये पौधा छोटा और छत्तेदार होता है। इसके पत्ते हरे जो सूखने के बाद पीले हो जाते हैं। ये ज़्यादातर रेतीले जगहों पर पाया जाता है। पानी बरसने से ये पौधा सूख जाता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस पौधे का हर भाग जैसे पत्ते, पौधे, जड़, टहनी और इसके फल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि का काम करते हैं। दोस्तों, इसके उपयोग से आप गठिया, डायबिटीज, सूजन या फिर घाव, बवासीर, चोट लगने पर या फिर आपको खांसी हो या खुजली हो, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आप आँख के पत्तों को उल्टा कर यानी रूखे हिस्से को पैर के तलवे के ओर लगाकर मोजा पहन लें और पूरे दिन के लिए छोड़ दें और रात में सोते वक्त निकालें। ऐसे निरंतर 10 दिन करने से आप अपने डायबिटीज से छुटकारा पाते हैं। और साथ ही अगर आपको कहीं सूजन है तो आप सरसों के तेल में आँख के पत्तों को अच्छी तरह पका लें और इसके बाद आप तेल को सूजन वाले जगह पे लगाएं। ऐसे 2 से 3 बार करने पर ही आप अपने सूजन से छुटकारा पाएंगे। अगर आपको घाव है या कहीं कट गया है तो कड़वे तेल में आँख के पत्तों को अच्छी तरह पका लें और उसके बाद घाव वाले जगह पे इसे लगाएं। इससे आपकी घाव बहुत जल्द भर जाएगी और इसमें दर्द भी नहीं रहेगा। अगर आप बवासीर की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप आँख के पत्तों को जलाकर इसका धुआं लें। आप बहुत जल्द बवासीर से छुटकारा पाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको चोट लग जाता है या फिर कोई परेशानी होती है तो इसके पत्ते को गर्म करके चोट वाले जगह पर लगाएं। आप 5 से 7 मिनट में चोट से दर्द को गायब होता महसूस करेंगे। आँख के जड़ का चूर्ण बना लें और इसमें काली मिर्च मिला लें। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। इसके रेगुलर उपयोग से पुरानी खांसी को भी दूर कर सकते हैं। आँख के जड़, जिसे हम बागड़ी में आंकड़ा भी बोलते हैं, इसका राख बना लें और सरसों के तेल में मिलाकर अगर आपको खुजली हो रही है तो खुजली वाले जगह पे लगाएं। इसके 2 या 3 उपयोग से ही आप खुजली से छुटकारा पाएंगे। आँख की डंडियों का यानी सूखे आँख के जड़ या डंडी का धुआं लेने से आपका सर दर्द सही हो जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का सर दर्द क्यों ना हो। आँख के पत्ता और डंटल को पानी में भिगोकर रखने से इसके बाद इसे दस्त के लिए यूज करने से आप बवासीर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आँख के जड़ का चूर्ण बनाकर गर्म पानी के साथ लेने से आप गर्मी के रोग से भी छुटकारा पाते हैं। दोस्तों, आँख के जड़ को पानी में घसकर नाखूनों में लगाने से आप नाखूनों की समस्याओं से छुटकारा पाते हैं, जैसे फंगस या फिर इन्फेक्शन या किसी भी तरह की समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। आँख के जड़ को छाया में सुखाकर इसका चूर्ण बना लें। अब इसमें गुड़ और घी मिलाकर खाने से शीत ज्वर भी सही होता है। 2 किलो आँख की जड़ को 4 लीटर पानी में उबालें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए। इसके बाद आप जड़ों को निकाल लें
और इसमें 2 किलो गेहूं भिगो दें, जब तक गेहूं पानी को सोख ना ले। अब इसे सुखा कर पिसवा लें और रोजाना 250 ग्राम गेहूं के आटे की रोटी बना लें और इसमें गुड़ के साथ घी मिलाकर खाने से आपको सिर्फ 21 दिनों में यानी 21 डेज में गठिया से छुटकारा मिलता है और ये हमेशा के लिए गठिया और जोड़ों के दर्द को ख़त्म कर देता है। आंख के जड़ को दूध के साथ घिसकर अगर पैरों के अंगूठों में लगाते हैं तो आपको आंखों में होने वाले दर्द से छुटकारा मिलता है। साथ ही अगर आंख के टहनियों से निकलने वाले दूध को अगर आप सर पे लगाते हैं तो इससे आपके झड़ते बाल रुक जाते हैं और नए बाल आते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ चुके हैं या आप गंजे हो चुके हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन दोस्तों याद रखें कि इसे बस जहां बाल लाना है या जहां बाल चाहते हैं वहीं लगाना है और इसको आँखों से दूर ही रखना है क्योंकि ये आँखों के लिए बहुत ही खतरनाक है और इससे हमें बहुत सारी परेशानियाँ भी हो सकती है। तो देखा दोस्तों, एक ऐसा पौधा जो बहुत ही विषैला है वो हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।